नमस्कार दोस्तों, दृष्टि सीरीज जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी का नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि लास्ट जो हमने वीडियो किया था वो मुझे एब्रप्टली बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। सो उसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा, बस हाँ हमारी कुछ न्यूज़ रह गई थी तो वो हम कंप्लीट कवर अप कर लेते, बट दैट इज़ नॉट इन आर हैंड। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको दोबारा कैचअप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट स्टार्ट विद द अदर न्यूज़ ऑफ द डे। सो हियर द फर्स्ट न्यूज़ कम्स इज द बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया। लास्ट न्यूज़ हम यही कवर कर रहे थे और यहीं पर वीडियो बंद हो गया था। सो बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो भाई पहली चीज़ तो ये कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इंडिया का जो टोटल नेटवर्क है, इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया का एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट लाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स, और उनका जो रोड नेटवर्क है वो 66,45,709 किलोमीटर्स का है, वेर इज इंडिया का जो रोड नेटवर्क है टोटल वो 63,31,757 किलोमीटर्स का है, जो कि लेटेस्ट डेटा 31 मार्च 2019 को प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज का शेयर है 0.74%, एयर ट्रांसपोर्ट का शेयर है 0.12%, वाटर ट्रांसपोर्ट का शेयर है 0.08%। सो सबसे ज़्यादा रोड का शेयर है ऑब्वियसली, उसके बाद रेलवेज का शेयर है, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट का शेयर है, और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट का शेयर है। एंड दिस इज ऑल अगेंस्ट द टोटल जीवीए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि 4.58% है। राइट, तो ये डेटाज आपको ज़रूर याद रखने हैं, या फिर ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, रोड का, फिर रेलवेज का, फिर एयर का, एंड फिर वाटर का। सो दिस मे बी अ कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया, हालांकि इतना आइडिया हमको रहता है कि रोड से है रेलवे से, बट फिर भी कभी कभी वी फील कि भी रेलवेज का नेटवर्क इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है तो रेलवेज का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, बट नहीं, रोड का कंट्रीब्यूशन रेलवे से ज़्यादा है। एंड रोड नेटवर्क्स की अगर हम बात करें एज ऑन द 31 मार्च 2019, तो जो नेशनल हाईवेज हैं वो 2% रोड शेयर करते हैं, दैट इज़ 1,32,499। देन स्टेट हाईवेज शेयर करते हैं 1,79,535, 2.8%। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो 6,12,778 किलोमीटर्स ऑफ एरिया को कवर करते हैं, दैट इज 10%। एंड सबसे ज़्यादा जो रोड्स का कवरेज है वो रूरल रोड्स कवर करती हैं, विच इंक्लूड द GRY रोड्स ऑल्सो, दैट इज 45,22,228 किलोमीटर्स, एंड विच अकाउंट्स फॉर 71.42%। तो कभी कभी ये डेटा भी आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है भाई सबसे ज़्यादा शेयर किसका होगा, तो याद रखिएगा उल्टा चलेगा, सबसे बड़े नेशनल हाईवेज होते हैं, सबसे कम शेयर है, देन स्टेट हाईवेज, देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एंड देन रूरल रोड्स। या फिर सबसे इधर से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स का, डिस्ट्रिक्ट का, देन स्टेट का, एंड देन नेशनल हाईवेज का। एंड स्टेट या यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ऑफ टोटल रोड एक्सक्लूडिंग GRY, तो इसमें GRY नहीं आएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लेंथ कवर होती है जो रोड्स की, वो महाराष्ट्र में है 11.72%, देन यूपी में है 8.1%, एंड देन आसाम में है 7.3%। राइट, सो महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट नेशनल हाईवे का नेटवर्क है 13.4%, तो नेशनल हाईवेज में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, देन यूपी है, देन राजस्थान है, एंड ओके, सो ये तीन स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, यूपी एंड राजस्थान विद द टॉप थ्री, एक्सक्यूज मी, विद द टॉप थ्री स्टेट्स। स्टेट हाईवेज की बात करें तो अगेन महाराष्ट्र नंबर वन पे है, इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो अगेन महाराष्ट्र, भी महाराष्ट्र को आपको याद रखना है, स्टेट हो, नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, महाराष्ट्र तीनों में टॉप पर है इन द टोटल लेंथ, विच इज़ फॉलोड बाय यूपी, एंड विच इज़ फॉलोड बाय अगेन एमपी, देन फॉलोड बाय कर्नाटका, एंड देन फॉलोड बाय तमिलनाडु। सो महाराष्ट्र तो आपको तीनों में याद ही रखना है, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, महाराष्ट्र इज़ द कॉमन टर्म। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, तो मोदी जी ने एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट को इनॉग्रेट किया, और ये कहाँ पर किया गया है, इंदौर में किया गया है 19 फरवरी 2022 को। ये पीपीपी मोड में रन किया जाएगा बाय द एमपी गवर्नमेंट एंड IEISL न्यू दिल्ली। सीएनजी को कंप्रेस नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और ये इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है गैसोलीन का।
सो यू शुड रिमेंबर द सेम ऑल्सो. ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई एशिया का लार्जेस्ट बायो सी एन जी प्लांट जो है वो कहाँ पर लग रहा है, वो इंडिया में लग रहा है. एंड इंडिया में भी कहाँ पर है, दैट इज इन द इंदौर रीजन. नाउ द नेक्स्ट इज रिपोर्ट इज अबाउट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई एस एफ आर 2021. सो 13 फरवरी 2021 को 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया. एंड रिपोर्ट असेसेस द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर और ये हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, एवरी 2 ईयर्स. कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है. और इस तरीके का पहला सर्वे पब्लिश किया गया था 1987 में. एंड आई एस एफ आर 2021 जो है वो 17th नंबर का रिपोर्ट है. सो अगर की फाइंडिंग्स की हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया है. टोटल फॉरेस्ट कवर ये 1540 किलोमीटर बढ़ गया है 2019-21 में. एंड अभी ये 7,13,789 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है 2021 में, विद इंक्रीज ऑफ 1540 किलोमीटर स्क्वायर. टोटल फॉरेस्ट कवर 2021 में 21.71% था. तो भाई आपको ये फिगर ज़रूर याद रखना है कि कितना हो गया है. तो 21.71% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जो कि लास्ट रिपोर्ट में 21.67% था. इसके अलावा ट्री कवर की बात करें, भाई दो कंप्लीट किए जाते हैं इसमें, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, उसको मिला के कॉम्प्रहेंसिव आइडिया लिया जाता है. तो जो ट्री कवर है वो 721 किलोमीटर बड़ा है. तो ये भी बड़ा है और फॉरेस्ट कवर भी बड़ा है. अब अगर देखा जाए तो भाई सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसके पास है? तो ये मध्य प्रदेश के पास है. सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में देखा गया है? तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आंध्रा में देखा गया है, आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड देन ओडिशा. आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज है, तेलंगाना में 632 है एंड उड़ीसा में 537 किलोमीटर स्क्वायर है. अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया की जो ये टेबल दिया हुआ है, इसका टेबल फॉर्म का अगर हम देखें तो भाई सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ओपन फॉरेस्ट का है, राइट, 9.34%. सबसे कम परसेंटेज देखेंगे तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का है. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33% है. तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मॉडरेटली ओपन में, लेकिन वेरी डेंस जो है वो कम है. टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.71 है. साथ ही साथ स्क्रब की बात करें तो 1.42% है एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो 76.87% है. तो टोटल जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है उसमें नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो 76.87 है एंड उसके अलावा 21.71% हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है. एंड अदर देन दैट स्क्रब्स, ओपन फॉरेस्ट, ये सब अलग इसमें मैंडेटरी हो जाते हैं. सो दिस कवर्स अराउंड 100%. हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी, देन अरुणाचल, देन छत्तीसगढ़. आप टॉप पे याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. एमपी, अरुणाचल एंड देन छत्तीसगढ़. परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ जाता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय. देखिए परसेंटेज जो होता है वो एरिया के टर्म्स में होता है कि भाई छोटा एरिया होगा और ज़्यादा फॉरेस्ट है तो परसेंटेज वाइज को ज़्यादा हो जाता है. एमपी में एरिया बड़ा है तो फॉरेस्ट स्पेसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, राइट. सो परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय एंड एरिया वाइज अरुणाचल, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़. मैंग्रोव कवर में भी इंक्रीज देखने को मिला है. सो 17 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज देखने को मिला है मैंग्रोव कवर में. टोटल मैंग्रोव कवर जो है अब ये 4,992 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, राइट. सो टोटल मैंग्रोव कवर में भी इंक्रीज देखने को मिला है. सो ऑलमोस्ट हर मतलब एरिया में इंक्रीज ही हुआ है, फॉरेस्ट कवर हो, ट्री कवर हो या फिर मैंग्रोव कवर हो. ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है वो आंध्रा में भी मिला है, फिर तेलंगाना में है और फिर उड़ीसा में. नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नेस्टा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट. ये रिलीज़ किया गया जून 13, 2022 को. इसको रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के द्वारा. सेकेंड एडिशन था इसका, फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था 2019 में, सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया 2022 में. पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में. दिस इज बेस्ड ऑन यूएन डेसा ई गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, ओएसआई, बेसिकली यूएन ई गवर्नेंस सर्वे फॉर कंट्रीज. तो भाई यूएन जिस तरीके से सर्वे करता है, ई गवर्नेंस सर्वे करता है कंट्रीज का, उसी तर्ज पर भारत ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट स्टार्ट किया था.
ये एक बाइनियल स्टडी है जो कि असेस करती है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड फोकस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऊपर ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। की फाइंडिंग्स देखें तो केरला ओवरऑल चैंपियन है और हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस है इसका अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हाईएस्ट है एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो मेघालय और नागालैंड जो है वो ओवरऑल कंप्लायंस के साथ टॉप नॉच पर बैठे हुए हैं। तो केरला हो गया ओवरऑल, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो मेघालय एंड नागालैंड। सो दिस इज अबाउट नेस्टा। तो नेस्टा क्या करता है, बाइनल स्टडी है जो कि स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल फोकल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की इफेक्टिवनेस को देखता है कि भाई वो ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी कैसी कर रहे हैं, क्या वो टाइम से ई गवर्नेंस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको पूरा असेस करने का काम जो है वो नेस्टा के द्वारा किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन यूएन डेटा, दैट इज इनिशिएटिव ऑफ यूएन एजेंसी। सो हियर वी आर ओवर विद द इंडाइसिस, बट चूंकि थोड़ा सा ही हमारा वीडियो रह गया था तो आई वुड सजेस्ट कि हम यहाँ से मिसलेनियस पार्ट को भी कवर करेंगे। मिसलेनियस हालांकि बड़ा है, दो वीडियोज में कवर हो पाएगा, तो इसको हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं एंड देन वील हॉल्ट इट अप। तो आई थिंक ये दो वीडियोज में कवर होना चाहिए बिकॉज इट हैज़ अराउंड 15 to 20 पेजेस, आई गेस 15 पेजेस आर देयर। तो इसको दो वीडियोस में हम कवर कर पाएंगे, तो इसी वीडियो में इसको कंटिन्यू कर देते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वाइंड अप कर देंगे। सो दिस वुड बी आर द फर्स्ट टॉपिक वुड बी कंप्लीटेड, दैट इज नेशनल प्रोग्राम्स या नेशनल न्यूज से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग वी लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मिसलेनियस न्यूज विच हैज बीन गिवन हियर। तो द फर्स्ट न्यूज हियर इज अबाउट द गंगा, इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर काफ। तो मार्च 16, 2023 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी तो कुछ समय से देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी यू नेवर नो कि कौन से एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, वी कैन नॉट स्किप दिस। तो भाई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, करनाल में है, हरियाणा में, एंड इट हैज प्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ। ठीक है, तो पहला क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर नेम्ड गंगा इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली यस देसी ब्रीड है गिर जिसका नाम है गंगा, तो वो काफ इन्होंने प्रोड्यूस किया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये ICAR के अंतर्गत आती है एंड ये पहला इंस्टीट्यूट बन गया है कंट्री में टू प्रोड्यूस अ क्लोन्ड काफ। तो भाई किसी भी कैटल का एक क्लोन्ड काफ बनाने वाला पहला इंस्टीट्यूट ये बन गया है। गिर काउ जो है वो नेटिव ट्रैक्ट है गुजरात में, तो भाई गिर एरिया जो है वो आपका आइडिया होगा गुजरात में है, तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि वेयर डज दिस ब्रीड एग्जिस्ट, भी अगर पूछा जाता है कभी कि भाई गिर काउ जो है वो किस एरिया का है। सो ये वेरी वेल नो कि भाई गिर एरिया गुजरात में है, तो गिर काउ ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट एरिया एंड देन नेटिव ट्रैक्ट इन गुजरात एंड इज पॉपुलर फॉर इट्स डोसाइल नेचर। तो अपने डोसाइल नेचर के लिए जानी जाती है, डिसीज रेजिस्टेंस है, हीट टॉलरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है एंड हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटीज भी हैं। तो जो न्यू बॉर्न क्लोन्ड फीमेल काफ है इसका नाम गंगा रखा गया है जो कि 32 किलो की है एंड द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2021। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 2021 में स्टार्ट किया गया था NDRI के द्वारा और इन्होंने कोलैबोरेट किया था उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ देहरादून फॉर द क्लोनिंग ऑफ इंडिजिनस काउ सच एज गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। तो अभी जो है वो पहला काफ गिर का बनाया गया है, फ्यूचर में और भी ब्रीड्स बनाए जा सकते हैं अगर ये सक्सेसफुल होता है। तो अबाउट ICAR NDRI, तो ये जो NDRI है इस इट वाज लीड एट बैंगलोर फर्स्ट, इनिशियली बैंगलुरु में 1 जुलाई 1923 को स्टार्ट किया गया था एंड लेटर इसका जो हेडक्वार्टर था आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो शिफ्ट किया गया करनाल में इन 1955। ओके, सो करनाल में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया 1955 में और तो आपको याद रखना है भाई इस साल 2023 चल रहा है, सो दिस इज द 100th ईयर एंड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कोई कोई क्वेश्चन यहाँ से अपियर हो सकता है, भाई 100 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को, तो 2023 में इसको 100 साल हो गए हैं, 1923 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में बनाया गया था एंड ऑन 1st of July दिस वॉज ऑन द डॉक्टर्स डे, जुलाई 1st इज डॉक्टर्स डे, उस दिन इसका
स्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, बट बाद में 1955 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटक पर। तो ये न्यूज़ भी आप थोड़ा सा ये बेसिक फैक्ट्स आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 100 ईयर हुए हैं, तो इससे अतर भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे वो। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फूले। तो रिसेंटली जनवरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैड पेड होमेज टू सावित्री बाई फूले। शी वॉज अ दलित वुमेन फ्रॉम माली कम्युनिटी। सावित्री बाई वॉज बॉर्न ऑन 3 जनवरी 1831। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म सतारा में हुआ था, नैगांव विलेज। तो भाई विलेज तो हमको उतना याद रखता है, बट दिस कुड बी प्रॉमिनेंट, सतारा में इनका जन्म हुआ था। एंड इनकी जो शादी हुई थी वो ज्योतिबा राव फूले से हुई हुई थी 1840 में। ठीक है, अब देख सकते हैं भाई 31 में इनका जन्म हुआ था एंड 1840 में इनकी शादी कर दी गई थी, महज 9 साल में। एंड फिर बाद में इफ यू रीड अबाउट द स्टोरी, इट इज़ अ वेरी इंप्रेसिव स्टोरी। ज्योतिबा राव ने उनको पढ़ाया एंड दे ओपन्ड अ स्कूल लेटर फॉर गर्ल्स इन भीड़ेवाड़ा पुणे इन 1848। तो 1848 में आप सोचिए क्या उम्र रही होगी इनकी, है ना। 1848 में इन्होंने मिलके एक स्कूल खोला पुणे में एंड दिस बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। सो दिस इज नोन एज इंस्पिरेशन। इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं कि भाई पहला, कंट्री का पहला गर्ल्स स्कूल बनाया उन्होंने, सेटअप किया, राइट। सो 1873 में फूले, दैट इज सावित्री बाई फूले एंड ज्योतिराव फूले, सेटअप द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, दैट इज द ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ये एक प्लेटफॉर्म था जो कि सभी के लिए ओपन था, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी हायरार्की हो आपकी, और आपका जो सोल एम है दैट इज टू ब्रिंग द सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी आपको लेकर आनी है। सो दिस वॉज सेटअप बाई बोथ ऑफ द बाई बोथ द पर्सन, दैट इज सावित्री बाई एंड ज्योतिबा फूले। And the story is very inspiring. So kindly read the story also, कि किस तरीके से इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद ये पहली टीचर भी बनी और पहली फर्स्ट स्कूल भी इन्होंने खोला महिलाओं के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योतिबा राव, सॉरी सावित्री बाई फूले। नेक्स्ट इज रानी वेलू नाचियार। रानी वेलू नाचियार अगेन एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया ऑन अ बर्थ एनिवर्सरी इन जनवरी 2023। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉर्न इन ऑन 3 जनवरी 1730। तो 1730 में इनका जन्म हुआ था, ऑलमोस्ट सावित्री बाई जी से 100 साल पहले। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 दिसंबर 1796 को हुई थी। शी वॉज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। तो भाई ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से लड़ने वाली पहली महिला थी इंडिया में एंड नोन बाई तमिल्स एज वीरा मंगई। तो भाई साउथ इंडिया की थी, इनको तमिल्स जो है इनको वीरा मंगई नाम दिया गया था। एंड हिस्ट्री में, इन द मॉडर्न हिस्ट्री, शी इज द फर्स्ट क्वीन जो कि अंग्रेजों से लड़ी थी, रानी वेलू नाचियार। एंड शी वाज द प्रिंसेस ऑफ रमंतपुरम एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ राजा चेल्लामुथु विजय गुंठा सेतुपति। आई एम सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अटपटा हो जाता है बिकॉज वो टंग नहीं है वहाँ का, एक्सेंट नहीं आ पाता है, बट स्टिल बेयर विद मी। सो शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रमंतपुरम एंड द ओनली चाइल्ड। तो भाई ये राजा चेल्लामुथु विजयरा गुनाठा सेतुपति की इकलौती बेटी थी एंड रानी सकंदी मुथल की, जो कि रमनाथ किंगडम को बिलोंग करते थे, इनकी इकलौती बेटी थी। और इनका हिस्ट्री में नाम फेमस हो जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों से लोहा लेने वाली पहली क्वीन बन गई थी। तो इसी के साथ हम बच्चे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज द बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती। फरवरी 26, 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किक स्टार्ट दिया एक पूरा एक साल का ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज। ये एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर हैं बंजारा कम्युनिटी के। 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेवालाल महाराज जी, इसको सेलिब्रेट किया गया मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा एंड आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 को सुरगोंडनकोप्पा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जो समाधि स्थल है संत सेवालाल जी की वो मनोर तालुक ऑफ वशीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, एटोरा देवी, विच इज ऑल्सो नोन एज बंजारा काशी। एज पर माई ओपिनियन इतना अंदर जाके आपको याद नहीं रखना है कि भाई कौन सी एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट या जगह से बिलोंग करते हैं, बट आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि जो इनका समाधि स्थल है वो महाराष्ट्र में है एंड
इनका जो जन्म हुआ था वो आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ था। और ये किस कम्युनिटी के से बिलोंग करते थे? तो भाई ये बंजारा कम्युनिटी के रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर थे, और इनका पूरा ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन हो रहा है, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एंड बहुत सारे लोगों को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो जो भी लोग सेलिब्रेट हो रहे हैं उनका नाम आपको याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। द नेक्स्ट न्यूज विच कम्स अप हियर इज द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन। तो भाई दिसंबर 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट रिलीज की थी वर्ल्ड के 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन की। देखते हैं भारत से किन महिलाओं को इसमें ऐड किया गया। उससे पहले हम देखते हैं कि फॉर द लीडरशिप ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर एज वेल एज फॉर हैंडलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लैन सिट्स अटॉप दैट इज रैंक फर्स्ट। तो भाई पहली जो रैंक इसमें प्राप्त हुई है फोर्ब्स लिस्ट में, वो प्राप्त हुई है उर्सुला वॉन डेर लैन को, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लगार्ड, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टिन लगार्ड, ये सेकेंड पोजिशन पे आती हैं। एंड यूएस के वाइस प्रेसिडेंट दैट इज कमला हैरिस, ये थर्ड पोजिशन पे आते हैं। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लैन, सॉरी वॉन डेर लैन, क्रिस्टिन लगार्ड एंड कमला हैरिस, ये तीनों टॉप थ्री पोजीशंस को कवर अप करती हैं। इंडिया से अगर बात करें तो 6 महिलाओं ने इस लिस्ट में अपने आप को दर्ज करवाया है। 36th रैंक पर निर्मला सीतारमण जी हैं, आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, एंड 4th टाइम इन अ रो वो इस लिस्ट में आई हैं। सेकेंड रोशनी नादर जी हैं, जो 53rd पोजीशन पे हैं, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एचसीएल टेक। थर्ड इज माधवीपुरी बुच, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, एंड ये 54th नंबर पे हैं। नेक्स्ट इज सोमा मंडल, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 67th नंबर पे हैं। नेक्स्ट इज किरण मजूमदार शॉ, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स, वो 77th नंबर पे हैं। एंड नेक्स्ट इज फाल्गुनी संजय नायर, हु इज़ द सीईओ ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल रिटेल कंपनी नायका, तो ये 89th नंबर पे हैं। तो भाई इस तरीके से 6 महिलाओं ने इस लिस्ट में अपने आप को दर्ज कराया है। एंड ऑल द नेम्स आर इम्पोर्टेंट, आपको उतना रैंकिंग याद नहीं रखनी है, बट हाँ आप ये याद रख सकते हैं कि ओवरऑल कितने लोगों ने करवाया है। तो निर्मला जी, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल जी, किरण मजूमदार शॉ जी एंड फाल्गुनी संजय नायर जी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पैरिटी। भाई इस साल बहुत सारी स्टेच्यूज अनवील हुई थी, अलग अलग हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर लें और उसको कहीं ना कहीं अपने रूम में पेस्ट कर लें, क्योंकि इतनी सारी स्टैच्यूज हैं, भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, है ना? तो दिस वुड बी माई सजेशन। अदर देन दैट डिस्कस तो हम कर ही रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी स्टैच्यूज हैं इनको आप एक जगह एक एक जगह इसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पैरिटी, तो हम देखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 नवंबर 2022 को स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पैरिटी को अनवील किया ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर लगाई गई है? पहली चीज़ तो ये कि ये बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाई गई है। दूसरा, इसी ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग ऑफ द चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस एट क्रांतिवीर संगोली रैयन्ना रेलवे स्टेशन, एंड ही ऑल्सो फ्लैग भारत गौरव कृषि दर्शन ट्रेन एट KSR रेलवे स्टेशन इन बैंगलोर। तो भाई दो तीन चीज़ें उसी एक दिन मोदी जी ने किया था, अनवील किया था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टैचू, ये 108 फीट की टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है। आपको ये याद रखना है कि भाई ये है किसकी। तो दिस स्टैचू बिलोंग्स टू नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, और ये ब्रॉन्ज की स्टैचू बनी है। ये फिगर्स हमें कुछ याद नहीं रखने हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज आप देख सकते हैं कि भाई 98 टन ऑफ ब्रॉन्ज यूज हुआ है, 120 टन स्टील यूज हुआ है यहाँ पर। एंड ये जो स्टैचू है इसको कंसेप्शलाइज और स्कल्प्ट किया गया था रामवीर सुतार के द्वारा। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, जब से स्टैचूज न्यूज़ में आई हैं कुछ सालों से, तो रामवीर सुतार भी उतने ही ज़्यादा न्यूज़ में, हालांकि उससे पहले भी ये काम करते थे, करते ही रहे होंगे, बट अभी कंटिन्यूसली इतनी स्टैचूज बनी हुई हैं कि ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन गई इंडिया की। एंड इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया था या उसको कंसेप्शलाइज किया था। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की बात करें तो ये एक ही वॉज अ किंग और चीफ्टन अंडर द विजयनगर एम्पायर, एंड द कैपिटल ऑफ कर्नाटका दैट इज बैंगलुरु वॉज फोर्टिफाइड बाय कैंपेगौड़ा। तो इनकी स्टैचू को यहाँ पर लगाया गया है। स्टैचू का नाम याद रखिएगा, स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। द नेक्स्ट स्टैचू हियर इज अ स्टैचू ऑफ बिलीव।
सो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो नाथ द्वारा राजस्थान में लगाई गई है, एंड इट इज द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। भाई आप किस पर यकीन करते हो सबसे ज्यादा, भोले भंडारी पर, भोलेनाथ पर? तो लॉर्ड शिवा बिलीफ, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, एंड द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो नोन एज विश्वास स्वरूपम। अब बिलीफ की बात की, बिलीफ मतलब भरोसा मतलब विश्वास। तो अगर इनको हम देखेंगे तो इनको जो नाम दिया गया है, जो एक्चुअली इनका नाम है, दैट इज विश्वास स्वरूपम, मीनिंग द स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, तो ये जो आइडल है इट इज बिल्ट ऑन गणेश टेकरी माउंटेन। तो भाई गणेश टेकरी माउंटेन एक जगह है वहाँ पर नाथद्वारा में, वहाँ पे इसको बिल्डअप किया गया है। जिसकी हाइट है वो 369 फीट है, दैट इज 112.47 मीटर, और ये 51 बीघास में एरिया में किया गया। ठीक है, इतना हमको नहीं याद रखना है, बट ये टू रिमेम्बर कि स्टेच्यू ऑफ बिलीव क्या है, मतलब तो विश्व स्वरूपम आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आ सकता है, देर आर हाई चांसेस कि विश्व स्वरूपम के नाम से भी पूछ सकते हैं। विश्वास स्वरूपम, सॉरी, तो विश्वास स्वरूपम के नाम से भी पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है किसकी है, तो लॉर्ड शिव की है। कहाँ पर है? नाथद्वारा राजस्थान में है। अगर आप स्पेसिफिकली राजस्थान का एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि ये गणेश टेकरी माउंटेन पर स्टेब्लिश की गई है या बनाई गई, बिल्ट की गई है। स्कल्प्टर इसके जो है वो नरेश कुमार जी हैं, एंड हैज प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन नाथ द्वारा वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 29 अक्टूबर 2022। तो भाई 2022 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। अभी ये कुछ और स्टैचूज की लिस्ट दी गई है, एक बार इन पे नज़र डाल लीजिए। मैंने यही लिस्ट आपको बोला था कि इसको आप बना लीजिए अपने पास, अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। तो द फर्स्ट इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी की है। इसको हैदराबाद में स्टेब्लिश किया गया है, तेलंगाना में, फेबररी 2022 में। ये नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा आई गेस। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लक हुआ तो ही है कि इसको ईयर वाइज क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि एयरवाइज पूछा जाना चाहिए फिलहाल, क्योंकि ये भी ट्रेंडिंग में नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन। बट फिर भी दिस इज ऑन योर रिस्क, बट मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ बनता है वो ये बनता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है। तो भाई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से कंफ्यूज मत हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी आई होप यू ऑल नो, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक और सबसे बड़ी स्टैचू है दुनिया की, तो लाइमलाइट में रही है। बट होता क्या है, जब बहुत सारी चीज़ें बन जाती है तो हम बहुत ही छोटी सी चीज़ में भी मिसलाइट हो जाते हैं, तो है ना। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को, स्टैचू ऑफ यूनिटी को अलग छोड़ दीजिए, वो पटेल जी की है, वो अलग फेज में है। अभी जो एक साथ बनी है, इसमें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है श्री रामानुजाचार्य जी की, विच इज़ इन हैदराबाद तेलंगाना। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगेन वल्लभ भाई पटेल जी, ये साधु बेट सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। ये सबसे पहले 2018 में बनी थी, मतलब अभी वाली जो लिस्ट चल रही है उसमें। थिरुवल्लुवर जी की स्टैचू, ये थिरुवल्लुवर जी ही इस पे बनाए गए हैं, कन्याकुमारी में है ये, तमिलनाडु में, सन 2000 में बनी थी। तथागत साल, तो तथागत बुद्ध जी को बोला जाता था, तो बुद्ध की स्टैचू है ये। सिक्किम में है, सिक्किम बहुत लाइन लाइट में नहीं रहती है, बट क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डाला जा सकता है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट स्टैचू ऑफ अहिंसा या अहिंसा, दिस इज ऑफ ऋषभनाथ। तो ये ऋषभनाथ जी की स्टैचू है, ये नासिक में लगाई गई है, मांगीतुंगी। मांगीतुंगी बहुत ही फेमस जगह है, इफ यू रिमेम्बर। तो मांगीतुंगी नासिक में इसको लगाया गया है, महाराष्ट्र में। देन स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य जी की है, तो ये श्रीनगर में लगाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य जी की श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। एंड एक और स्टैचू ऑफ पीस है जो कि जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की है, जो कि पाली में लगाई गई। तो ये पहले बन गई थी पाली वाली स्टैचू ऑफ पीस जो है, और उसके बाद एक और स्टैचू ऑफ पीस बनाई गई थी जो रामानुजाचार्य जी की थी। वो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, और स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। तो इसके अलावा आप इसमें स्टैचू ऑफ बिलीफ को ऐड कर लीजिएगा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी भी ऐड कर लीजिएगा जो बैंगलोर और राजस्थान में है। सो आई होप कंफ्यूजन नहीं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा होगा, बट स्टिल यू शुड रिमेम्बर ऑल दोज थिंग, राइट। जनरल जनरल लचित बारफुकन ऑफ अहोम किंगडम, तो 400th बर्थ एनिवर्सरी असम लेजेंडरी वॉर हीरो लचित बारफुकन की सेलिब्रेट की गई न्यू दिल्ली में, 23rd से 25th नवंबर 2022 तक। इनकी बात करें तो ये इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। द चरा चरायदेव, ये फर्स्ट कैपिटल थी अहोम किंग्स की।
तो चराएदेव जो थी वो फर्स्ट कैपिटल थी अहोम किंगडम्स, अहोम किंग्स की, एंड ही लेड द बैटल्स अगेंस्ट एन एलियन मुगल आर्मी। वे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये साल के एग्जाम के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी कमिंग ईयर्स में। सो लचित बारफुकन जी, ये 1622 में इनका जन्म हुआ था चराएदेव में, और चराएदेव जो थी वो अहोम किंग्स की पहली कैपिटल थी, एंड बैटल ऑफ एलेबॉय इन्होंने लड़ा था। सो इट वॉज फॉट ऑन August 5, 1669 इन द एलेबॉय हिल्स नियर द दादरा इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। तो भाई आपको इतना नहीं याद रखना है कि एग्जैक्टली किस हिल्स के पास किस जगह पे, आप उस स्टेट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज कि भाई ये बैटल हुआ कब था। तो आपको एक तो इसका टाइम लाइन याद रखना है, 1669 में ये बैटल लड़ा गया था और कामरूप में लड़ा गया था। बैटल ऑफ सरायघाट की बात करें तो लचित बारफुकन नोन फॉर हिज लीडरशिप इन 1671 बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि विच थॉटेड अ ड्रॉन आउट अटेम्प्ट बाय मुगल फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह फर्स्ट टू टेक ओवर द अहोम किंगडम। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जो इनके द्वारा लड़ी गई थी। तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी या फिर आपको इसका ईयर याद रखना है, लचित बारफुकन जी इससे रिलेटेड है आपको वो याद रखना है, किस एरिया के थे आपको ये भी याद रखना है, अहोम किंगडम की पहली कैपिटल क्या थी चराएदेव आपको ये भी याद रखना है। तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ से जो आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट करने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं। बात करें अहोम किंगडम की तो ये बहुत पुराना किंगडम है, 1228 में इसका ब्रह्मपुत्र वैली में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एंड इट रिटेन्ड इट्स सोवरेनिटी फॉर 600 ईयर्स। किंगडम वॉज फाउंडेड बाय चाउलुंग सुकाफा इन 13th सेंचुरी, ये रूलर थे ये, तो ये इसके फाउंडर थे अहोम किंगडम के चाउलुंग सुकापा, या सुकापा से भी आप याद रखते हैं, आई गेस सुकापा ही इनको बोलते हैं। फिर वही बात है कि प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होते हैं तो जो समझ आता है हम लोग वही बोलते हैं। सो माफ कीजिएगा अगर कोई उस रीजन से है एंड आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो दिस इज अबाउट चाउलिंग सुकाफा, ये 13th सेंचुरी रूलर रहे हैं और ये फाउंडर थे अहोम किंगडम के, एंड द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। तो भाई ये जो फोर्स लेबर पर डिपेंडेंट था, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स, और जिनसे जो फोर्स लेबर जो काम करते थे स्टेट्स के लिए उनको पाइक्स बोला जाता था, पाइक्स। सो पाइक टर्म भी आप याद रखिएगा, पाइक्स, क्योंकि अहोम किंगडम न्यूज में रहा है तो ये टर्म्स भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, सो कीप दिस इन माइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट कुछ टॉपिक्स मिसलेनियस के हमने कवर किए हैं इसमें। नेक्स्ट विच इज गोइंग टू स्टार्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। ओके, तो आई थिंक ये हम एक पूरा वीडियो न्यूज इन शॉर्ट का अलग से बना सकते हैं, तो इसको हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आती हूँ एंड आपको ये न्यूज इन शॉर्ट वाला एरिया कवर करके वील वाइंड इट अप। तो हमारा नेशनल प्रोग्राम या नेशनल न्यूज जो है वो कवर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड आपकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई होप आप कोप अप कर पा रहे होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज आ रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय।